ये सवाल अपना। हाँ सर, नमस्कार जी नमस्कार। सर। दो शेयर पे सवाल था। एक तो सर था कि पेटीएम कभी अपने इशू प्राइस पर पहुंचेगा 2-4 साल में या नहीं, और दूसरा और सवाल। दूसरा सर, बिरला सॉफ्ट 650 में खरीदे हैं 4,000, तो 1 साल के लिए क्या टारगेट होगा इसका, रख सकते हैं या नहीं? पेटीएम कितने लिए हैं आपने? पेटीएम सर 3,000 है। आईपीएम लगे थे, बाद में खरीदे? नहीं नहीं बाद में खरीदे, अभी। किस भाव पे? 800 पे। किसने सलाह दी थी? सर पे जोमेटो बढ़ रहा था इसलिए जो है। अच्छा, जोमेटो बढ़ रहा था इसलिए पेटीएम भी। जोमेटो बढ़ रहा था, पीबी फिनटेक था, जितने भी फिनटेक वाले थे। लॉजिक तो सही बताया था आपने, लेकिन गड़बड़ हो गई। गावाजी की मदद लेते हैं। गावाजी पहले पेटीएम पर ही, हाँ जी, 800 के भाव पर पेटीएम के 3,000 शेयर राजेश ने ले लिए, इस उम्मीद में कि जब जोमेटो चल रहा है, पीबी फिनटेक चल रहा है, कार ट्रेड चल रहा है, तो ये क्यों नहीं चलेगा? ये कैसे तरीका है? सब लोग शादी में खुश हैं, शादी करके खुश है तो मैं भी खुश हो जाऊंगा इसलिए मैं भी शादी करता हूँ, या सब दुखी है तो मैं भी शादी नहीं करता, ऐसा थोड़ी होता है। सर बारात में जो जाते हैं वो सब खुश रहते हैं सब। ऐसा ये सवाल भी है कि वो हो रहा है तो हमारा भी होगा। आप दे रहे हैं पेटीएम, तो पेटीएम पर ध्यान दीजिए। इश्यू प्राइस करीब पता नहीं कितना, लेकिन लिस्टिंग हुआ था 2,000 पर, मुझे ध्यान है पेटीएम के प्रमोटर्स ने डांस किया था, वो मुझे आज भी याद, लेकिन है स्ट्रक्चरली वीक, अब भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है पेटीएम में। एक अप्पू मिला था, वो करेक्टिव अप्पू था, तो 1010 का एक रेसिस्टेंस था, 1020 का मेरे ख्याल से वहां पर जाके उसके आसपास से लौटा, अब तक तो वीकनेस है पेटीएम में, तो मेरे ख्याल से स्टे अवे। 2150 तक गया था, कहीं कभी जाएगा सर वहां तक? हो सकता है, यू नेवर नो, फिर डांस करना पड़ेगा इनको और कुछ नहीं प्रमोटर्स को, लेकिन है स्ट्रक्चरली वीक पेटीएम। ट्रेड करा है 624 नाउ, और कहां लिस्टिंग हुई थी 2000 के आसपास, बहुत जिन्होंने 2000 के बाद लिया है वो आज दुखी।